15 अगस्त के ज़िमन में आज़ादी की अहमियत बच्चों को हमेशा वक्तन फ़ौक्तन बताई जाती, लेकिन एक मखसूस दिन है हमारे पास कि हम लोग सब मिलकर 15 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाते। स्कूल का नाम ख्वाजा नासर उर्दू स्कूल है और पेरिविंकल इंग्लिश स्कूल है। हमारे इसमें दोनों मदारिस चलते हैं, एक सुबह की शिफ्ट में चलती है और एक दोपहर की शिफ्ट में चलती है। 13 साल से चला रहे हैं हम लोग। आपके स्कूल के बच्चों के स्ट्रेंथ बताइए, गर्ल्स और बॉयज़। हमारे 600 है, 300 हमारे पास बॉयज़ है, 300 गर्ल्स है। आपके पास में स्कूल में कौन सी क्लासेस तक स्कूल है आपकी? नर्सरी टू 7th। उर्दू में? सेम। मैम अभी जो हर घर झंडे की मुहिम चली तिरंगे की, जी, आपके स्कूल से भी रैली निकली है, उस बारे में आप क्या बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास भी रैली निकाली गई, तो हर घर झंडा तिरंगा जो मोदी सरकार की तरफ से निकाली गया अभियान, उसको कंप्लीट तौर पे बच्चों को हर घर तक पहुंचाने की कोशिश की गई। बच्चों ने हर घर तक झंडा लेके गया, नारे लगा के एहसास कराया गया कि आज़ादी के लिए हम अपने तरफ से छोटे बच्चे भी क्या योगदान कर सकते हैं। इसी तरह उन्होंने हर जगह हर घर झंडे की मुहिम को जारी रखा। यौम आज़ादी के मौके पर आपके स्कूल में और कौन कौन से प्रोग्राम मुनाकिद करने वाले हैं, आप उसको विस्तार से बताएं। 15 अगस्त के ज़िमन में आज़ादी की अहमियत बच्चों को हमेशा वक्तन फ़ौक्तन बताई जाती, लेकिन एक मखसूस दिन है हमारे पास कि हम लोग सब मिलकर 15 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाते, तो उस दिन आज़ादी के से मुतालिक बच्चों को जैसी जैसी कुर्बानियाँ हमारे बड़ों ने दी गई है बुज़ुर्गों की तरफ से, वो आज़ादी का एहसास करा के बच्चों को आगे भी कौम की खिदमत, मुल्क की खिदमत के लिए तैयार किया जाता है। अभी आपने बताया मैम कि हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियाँ हैं देश के लिए, तो उन देशभक्तों का नाम बताइए मैम जो जिन्होंने स्वतंत्र सेनानी के रूप में अपनी कुर्बानी दी। जी, महात्मा गांधी है, चाचा नेहरू है, इंदिरा गांधी है, अशफाकुल्ला खान है, भगत सिंह है, ऐसे बहुत से लोगों ने, झांसी की रानी है, रज़िया सुल्तान है। मैम कुछ कुछ बच्चों को और आजकल के जो नौजवान पीढ़ी है तो उनको यौम आज़ादी का मतलब ही नहीं पता है, जी, तो आप एक ऐसा टीचर है तो आप क्या बताना चाहेंगे? बच्चों को सबसे पहले तो कौम के हम जज्बा पैदा करना चाह रहे हैं बच्चों में कि जब तक हम अपना खुद का वजूद नहीं पहचानेंगे तो हम क्या कौम के लिए मेमार बन सकेंगे, तो उनको उसकी तैयारी भी की जाती है कि बच्चे तैयार हो कौम की खिदमत के लिए, कि हर एक दूसरे की मदद करें, बग़ैर मज़हब व मिल्लत के लोग आगे काम करें। आपके स्कूल की टाइमिंग बता दीजिए मैम और यहाँ का स्कूल का एड्रेस बताइए। हमारा स्कूल सुबह 7:15 से 12:30 तक इंग्लिश मीडियम चलता है, फिर 12:30 के बाद 1 बजे से 5:30 तक उर्दू मीडियम चलता है। यहाँ के स्कूल में भी 15 अगस्त के कौन कौन से प्रोग्राम होने वाले हैं, कितने कितने दिन होने वाले? 15 अगस्त का हम एक ही दिन रहेंगे प्रोग्राम, बल्कि क्लास वाइज बच्चों को अभी से तैयारी चल रही है हमारी। ड्राइंग कॉम्पिटिशन वो है। ड्राइंग कॉम्पिटिशन में क्या है? तो उसमें स्लोगन्स तैयार करना है, पेंटिंग्स तैयार करना है अलग अलग आज़ादी से रिलेटेड। उसके संदर्भ में कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रोग्राम है कैसे? जी, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज रहेगा, जो भी बच्चे उसमें अव्वल लेंगे उनको प्राइजेस से नवाजा जाएगा। स्कूल का एड्रेस बता दीजिए। स्कूल का एड्रेस है रंगीन गेट बिहाइंड म्युनिसिपल कॉलोनी औरंगाबाद। कितने क्लास तक के आपके स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं? फर्स्ट नर्सरी टू 10th। जी, ¿Qué tal?